तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं यूजर फॉर्म की, और यूजर फॉर्म पे हम बात करेंगे कॉम्बो बॉक्स की। हमने लास्ट टू क्लासेस में आपको समझाया है कि यूजर फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स का क्या रोल है, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर डेटा कैसे लोड करेंगे, सीट से टेक्स्ट बॉक्स का डेटा सीट से फॉर्म से सीट कैसे होंगे। ओके, पर हम बात कर रहे हैं कॉम्बो बॉक्स की कि कॉम्बो बॉक्स का कैसे यूज करेंगे। तो छोटा सा एक फॉर्म यहां हम बना रहे हैं, उस चीज को समझने के लिए नेम, उसके बाद मैंने यहां पे इसका टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, उसके बाद वापस जो है हम यहां सिटी लेते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिएगा तो जितना बड़ा डेटा है उसमें ऑटो फिल हो जाता है, इसको अपने यहाँ अरेंज कर दीजिए। और यहाँ पे हमने कॉम्बो बॉक्स ले लिया। अब कॉम्बो बॉक्स में सिटी हमारा लोड कैसे होगा, जब प्ले करे तो यहाँ पे सिटी का लिस्ट मुझे दिखना चाहिए, कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले बात मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर सिटी आपके पास है, इसके कई तरीके हैं। तो पहला तरीका कि आपके पास अगर कोई पर्टिकुलर 3 या 4 या 5 सिटी है तो आप डायरेक्ट कोड के अंदर डाल दीजिए यूजर फॉर्म इनिशियलाइज। कैसे डालिएगा, विथ डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट एड आइटम, और यहां पे पहला डाल दीजिए न्यू डेल डॉट आइटम, जितने भी आइटम है वन बाय वन करके आप उसी तरह से डाल सकते हैं। डॉट आइटम डॉट एड आइटम, और फिर यहां पे एंड इन। ओके, अब इसको हम प्ले तो यहाँ पे हमारा लिस्ट आ गया। अब बात आती है कि ये जो लिस्ट हमने लोड कर लिया, वापस हम एक्सेल सीट पे कैसे लाएंगे। यहाँ नेम और सिटी है, तो जैसे कि हमने आपको टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बताया था, सेम यहाँ होगा। सबसे पहले एक कमांड बटन देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे लोड करते हैं, कमांड बटन को यहां से हम सबमिट कर देते हैं, सबमिट, और इस पे डबल क्लिक करते हैं, यहां देते हैं रेंज 65,000, वही जो हमारा पुराना तरीका है, डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल मी डॉट कॉम्बो वर्क्स 1.value। इसमें ए होगा, नेम होगा ना, टेक्स्ट कॉम्बो .value, इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ 0 दे दीजिए, यहाँ 1 दे दीजिए, और मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स के जगह पे मी डॉट कॉम्बो बॉक्स। मी क्यों लगाते हैं, ये एक्टिव यूजर फॉर्म के लिए हम मी लगाते हैं। ओके, ये वैल्यू यहां से आ जाएगी। यहाँ पे हमने नाम लिखा पूजा, और हमने सिटी मान लीजिए न्यू दिल्ली सिलेक्ट करके सबमिट किया, यहाँ डेटा आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन और है कि जब हम इसको प्ले करते हैं तो यहाँ ब्लैंक होता है, मैं चाहता हूं कि यहाँ डिफॉल्ट जो है पुणे आ जाए, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, इनिशियलाइज में यहां कर दीजिए कि मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू पुणे। इससे क्या होगा कि जब हमारा यूजर फॉर्म चलेगा
तो बाय डिफॉल्ट पुणे हो, समझ में आ गया आपको? कॉमा बॉक्स में वैल्यू कैसे लोड करेंगे? अरे ये तो बात हुई हमारी कॉमा बॉक्स में इसकी मैनुअल डेटा एंट्री की। मान लीजिए कि कॉम्बो बॉक्स में हमारे पास वैल्यू जो है एक्सेल सीट पे पड़ा है, एक्सेल सीट पे तो कैसे करें? तो जैसे कि मान लीजिए कि हमें यहां सिटी लिस्ट है, मुझे इस लिस्ट को चाहिए, तो सीट वन आई टू से लेके आई इलेवन, तो मैं क्या करूंगा कि इसकी राइट इस पे क्या है प्रॉपर्टी, यहां प्रॉपर्टी का लाता हूं, प्रॉपर्टी में यहां आपके सामने रो सोर्स दिखेगा, रो सोर्स आ गया। रो सोर्स में हम उस सीट पाथ जो है सीट वन से लेके I टू से आई, अब जैसे ही प्ले होगा तो आप देखिएगा कि इसमें सिटी लिस्ट आ गई, कहां से? यहां से। बट इसको डायनेमिक कैसे करें, इसको डायनेमिक कैसे करें, क्योंकि 10 से बाद 11 12 13 हुआ था क्या सर? तो यहां हम इनिशियलाइज करते हैं और यहां हम करते हैं ऊपर में, मी डॉट कॉम्बो बॉक्स टू डॉट रो सोर्स, यहां से मैनेज कर सकता हूं और यहां पे मैं करूंगा रेंज एट वन से लेके ए वन नहीं आई वन है ना आई टू है ना, तो स्टार्टिंग पता है एंडिंग पता नहीं है, तो रेंज आई 65,000 डॉट एंड एक्सलेस ऑफ डॉट एड्रेस, क्योंकि उसको एड्रेस फॉर्मेट में चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इस पे हाँ आ गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ कि कल के डेट में अगर यहाँ उदयपुर के जगह पे मैं यहाँ पे एक कर देता हूँ, मान लीजिए हाजीपुर एक जगह है, मैं डाल देता हूँ, इसको प्ले करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पे हाजीपुर आ गया, ठीक है। या इसका तीसरा दो तरीका तो सीख लिया आपने, दो तीन तरीके सीख लिए, एक चौथा तरीका भी है, उस चौथे तरीके को भी मैं आज समझा देता हूं। अब चौथा तरीका मैं लूप के थ्रू चाहता तो उसके लिए कैसे करेंगे, हम इसके लिए फॉर्म स्लाइड्स पे ही जाएंगे, यूजर फॉर्म स्लाइड्स, और यहाँ चलाएंगे कि लूप i इक्वल टू चले टू टू रेंज i 65,000 डॉट एंड एक्सेलस ऑफ और नेक्स्ट आई, और फिर यहां लिखेंगे
मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 3 डॉट एड आइटम और यहाँ पे दिया रेंज के साथ, ये नहीं आई है ना, आई के साथ कंबाइन हो जाए हमारा वेरिएबल आई लूप वाले आई डॉट लेंथ। अब प्ले कीजिए, समझ में आया किरण जी? किरण जी